माई सेल्फ दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ एम सी क्यूज. इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यूज ऑफ यूनिट नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 2. नंबर 1, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, दिस प्रॉपर्टी एंड 0 इज कॉल्ड, एज वी नो दैट एनी नंबर एडेड विथ 0, द रिजल्ट विल बी दैट नंबर. This property is called additive identity, and 0 is called additive identity or additive identity element. तो number 1 जो question है उसका जो right option है that is B. Second number, minus 5 less than minus 4 implies that 5 greater than 4 is called dash property of inequality. माइनस 5 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी 5. माइनस 4 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी 4. और जब भी हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को द सिंबल विल चेंज. पहले जो सिंबल थी वो लेस देन की थी, अब जो सिंबल है दैट इज ऑफ ग्रेटर देन. और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी. सिंबल जो है वो तभी चेंज होगी जब हम दोनों जो नंबर्स होंगे उनके बीच में जो सिंबल होगी वो चेंज तब होगी जब दोनों नंबर्स को बेसिकली हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द सिंबल विल चेंज. अगर हम प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द सिंबल विल नॉट चेंज, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. तीसरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू. नेचुरल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो पजेज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उससे बेसिकली मुराद ये है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर्स लो, दो आप कोई भी नेचुरल नंबर्स लो, उनको जब आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल आल्सो बी ए नेचुरल नंबर. और जब उनको आप मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल आल्सो कम इन ए नेचुरल नंबर. यानी कि नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट पजेसेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. कोई भी आप नेचुरल नंबर्स लो, जब उनको आप ऐड करोगे जो रिजल्ट आएगी जो सम आएगा दैट विल आल्सो बी ए नेचुरल नंबर. जब उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल आल्सो बी ए नेचुरल नंबर. यानी कि देयर विल बी नो एनी एक्सेप्शनल केस ओवर हेयर इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. तो नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट पजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट वन, जिसमें बोथ ए एंड सी, ए में एडिशन है और सी में मल्टीप्लीकेशन है. फोर्थ नंबर, माइनस 108 होल पावर 64 दैट इज इक्वल टू डैश रियल नंबर. माइनस का जब बेस होगा देन यू हैव टू चेक द पावर. अगर पावर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट जो आएगी दैट वुड बी इन पॉजिटिव रियल नंबर. अगर माइनस का बेस है उस पे पावर अगर ऑड नंबर है देन द रिजल्ट विल कम इन नेगेटिव रियल नंबर. तो यहां पर आप चेक करो माइनस का बेस है उस पे पावर जो 64 है दैट इज द इवन नंबर, तो इसकी जो रिजल्ट आएगी दैट वुड बी इन पॉजिटिव रियल नंबर. यानी कि फोर्थ का जो है वो ए सही है. फिफ्थ में आप चेक करो व्हाट इज गिवन इन इन 5 डिवाइड बाय 2 पावर 3 इंटू 3 डैश विल बी इवेल्यूटेड फर्स्ट. आप चेक करो जब भी हमें कोई बेसिकली एक्सप्रेशन गिवन हो अगर उसमें पावर है तो सबसे पहले जो है ना हम किसको इवेल्यूट करेंगे, किसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम पावर को जो है ना इवेल्यूट करेंगे. डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये जो ऑपरेशंस है ये बाद में किए जाएंगे. फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होगी दैट वुड बी टू द पावर आर एक्सपोनेंट. तो यहाँ पर ये जो गिवन है एक्सप्रेशन इसमें से सबसे पहले हम 2 पावर 3 जो है इसको एवेल्यूट करेंगे. तो इसको एवेल्यूट नहीं करना, सिर्फ हमें ये बताना है सबसे पहले जो है ना हम किसको एवेल्यूट करेंगे. तो इसमें जो है ना सबसे पहले हम एवेल्यूट करेंगे पावर आर एक्सपोनेंट को. सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद सिक्स्थ में जो है दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब्ड डिवाइड बाय ए स्क्वायर. इसका सिंप्लीफाइड जो आंसर है वो क्या होगा. तो सबसे पहले आप चेक करो कि यहाँ ए स्क्वायर जो है
बेसिकली ये न्यूमरेटर में एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यानी कि ये डिनोमिनेटर में, तो ए स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी ए पावर 3। सो ए पावर 3 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन, जो 6 में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका सिंप्लीफाइड आंसर है, यानी कि 6 जो है उसका बी सही है। उसके बाद आप सेवेंथ में चेक करो, दैट इज -4 × -2 होल पावर 4, दैट वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर इसको जब आप इवेल्यूट करोगे, सबसे पहले आप ये जो सिंबल है ये आप मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, इट वुड बी प्लस, और प्लस के सिंबल आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। और ये जो होल पावर है, होल पावर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो ब्रेकेट में टर्म्स होंगे उन दोनों के साथ लिया जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा दैट वुड बी 4 पावर 4 × 2 पावर 4, दैट इज एन ऑप्शन सी। उसके बाद एट्थ नंबर जो क्वेश्चन है, दैट इज -2 पावर 4 + 2 पावर 4, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर जो गिवन है दैट इज माइनस के सिंबल जो है ना वो अलग है, 2 पावर 4 जो है दैट इज गिवन, यानी कि इस तरह से नहीं है कि -2 होल पावर 4 जो है वो नहीं है, ये जो गिवन है दैट इज माइनस की सिंबल है उसके बाद 2 पावर 4 है, यानी कि माइनस की सिंबल सेम रहेगी, 2 पावर 4 इसका आंसर आएगा 16, यानी कि इसका इस पोर्शन का आंसर आ गया -16, और +2 पावर 4 का आंसर आएगा प्लस का 16, तो -16 और +16 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो एट्थ में जो बेसिकली एक्सप्रेशन जो गिवन थी उसका सिंप्लीफाइड जो आंसर है दैट इज 0। उसके बाद नाइन्थ में जो गिवन है दैट इज इफ बेसिस आर सेम एंड देयर इज डिवीजन देन पावर्स विल बी, अगर बेस हमारे सेम है और डिवीजन है या आपका वो अपान में है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लेट सपोज अगर आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से गिवन है, ए पावर 5 डिवाइड बाय ए पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, बेस जो ए है उसको आप एक बार लिखोगे ए, और पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 5 - 2, तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी ए पावर 3, यानी कि अगर हमारे बेसिस सेम होंगे और देयर विल बी डिवीजन देन द पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो नाइन्थ का बी जो है दैट इज द करेक्ट वन। उसके बाद टेंथ में क्या है, इन स्क्वायर रूट 180 इज कॉल्ड, अब ये जो स्क्वायर रूट 180 जो है इसमें 180 जो है दैट इज गोइंग टू बी सेड एज रेडिकेंट, और ये जो है दिस इज द रेडिकल साइन, और इसके आगे इंडेक्स नहीं है तो अंडरस्टूड है 2 है, यानी कि रेडिकल साइन में जो कुछ भी होगा वेदर नंबर या एक्सप्रेशन जो कुछ होगा रेडिकल साइन में दैट इज गोइंग टू बी सेड एज रेडिकेंट, यानी कि स्क्वायर रूट 180 में 180 जो है वो क्या है दैट इज द रेडिकेंट। उसके बाद 11th में 2 स्क्वायर रूट 5 - 3 स्क्वायर रूट 5 दैट वुड बी इक्वल टू, अब 2 स्क्वायर रूट 5 उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 स्क्वायर रूट 5, तो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट 5 को आप हम बाद में लिखेंगे, 2 प्लस के है माइनस के 3, आंसर कितना आएगा -1 मैं लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है, और -1 जो आंसर आएगा वो किसका होगा, -स्क्वायर रूट 5 लिखूं या -1 स्क्वायर रूट 5 लिखूं, बात एक ही है, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5 - 3 स्क्वायर रूट 5 इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है दैट इज -स्क्वायर रूट 5। उसके बाद 12th में आप चेक करो क्या है, 2 पावर 3 होल पावर 2 होल पावर 1/2, यानी कि पावर उस पर पावर उस पर भी पावर है, पावर्स पे जो पावर्स होंगे उनको बेसिकली हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 है और होल पावर 1/2 है, यानी 2 × 1/2 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो रिजल्ट बचेगी दैट वुड बी 2 पावर 3 यानी कि 2 को आप अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2 रिजल्ट क्या होगी, इट वुड बी 8। उसके बाद 13 में क्या है, 27 होल पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू, अब ये हमने एक्सरसाइज 2.6 में पढ़ा है, 27 जो है इसके फैक्टर्स होंगे, देयर विल बी 3, तो आप लिखोगे 3 पावर 3 और होल पावर क्या है, होल पावर 1/3 है,
पावर पे जब पावर होगा तो पावर्स जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगी, 3 पावर 1 या 3, बात एक ही है। पावर अगर मैं नहीं शो कर रहा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि पावर जो है वो बेसिकली 1 है। उसके बाद 14 में आप चेक करो, 14 में क्या गिवन है हमें, वी हैव 16 पावर 1/4 इंटू 64 पावर 1/3। अब ये 16 पावर 1/4 है, 16 के लिए आप लिखोगे 2 पावर 4 होल पावर 1/4, 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस पार्ट का जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2, और 64 होल पावर 1/3, 64 के लिए आप लिखोगे 4 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 3 में कैंसिल होगा, यानी कि इसका जो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो 3 आएगा, इसकी इसकी जो रिजल्ट होगी इट वुड बी 2, और आगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 4 8, तो 8 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आप 15 में आओ, 15 में क्या गिवन है हमें, 15 पावर 0 इंटू 15 प्लस 15। सबसे पहले यहां पर जो है ना हम पावर जो है उसको एवेल्यूट करेंगे, एनी नंबर हैविंग पावर 0 द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि 15 पावर 0 जो है इसकी रिजल्ट होगी 1, 1 इंटू आप करोगे 15, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन जो है उसको एवेल्यूट करोगे, 1 इंटू 15 कितना होगा, इट वुड बी 15, और आगे जो है ना वो प्लस 15 है, यानी कि 15 और 15 कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 30। उसके बाद 16 जो है दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज, किसी भी कोई भी अगर आपको सर्ड गिवन है उसका जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो इन बिटवीन टू टर्म्स जो सिंबल है दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट वुड बी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। 17 में क्या है, इन 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमें जो गिवन है 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 15, आफ्टर रेशनलाइजेशन द सिंप्लीफाइड आंसर विल बी, अगर हमें कोई भी सर्ड अगर हमें गिवन हो डिनोमिनेटर में जब उसको हम रेशनलाइज करेंगे तो आफ्टर रेशनलाइजेशन जो हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो मिलेगी बेसिकली उसका जो कॉन्जुगेट फॉर्म जो वो मिलेगा, यानी कि अगर 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है तो इसका जो इसकी जो रिजल्ट मिलेगी आफ्टर रेशनलाइजेशन 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर है 1/ कुछ इस तरह से है 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 15, जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट जो हमारी आएगी दैट वुड बी 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। उसके बाद 18 जो है दैट इज If x is equal to 5 minus square root 24, then value of x minus 1/x will be. तो सबसे पहले आप चेक करो यहां पर हमें x की वैल्यू गिवन है, आप 1/x की वैल्यू फाइंड करोगे. I have clearly told you that जब आप 1/x की वैल्यू फाइंड करोगे तो होगा 1/5 minus square root 24. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी रिजल्ट आएगी 5 माइनस स्क्वायर रूट 24 एक्स की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू जब आप उसको रेशनलाइज करोगे उसको जब आप इवेल्यूट करोगे तो 1/x की वैल्यू आएगी 5 प्लस स्क्वायर रूट 24। अब हमें ये फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो इसका सॉल्यूशन मैंने किया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है उसके बाद माइनस के सिंबल, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/x, 5 माइनस स्क्वायर रूट 24 मैंने सेम लिखा, अब ये माइनस के सिंबल मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म्स जो है वो माइनस में हो जाएंगे, अब आप चेक करो प्लस का 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 24 और माइनस स्क्वायर रूट 24 कितने होंगे, माइनस के 2 स्क्वायर रूट 24, तो -2 स्क्वायर रूट 24 जो है दैट इज इन ऑप्शन डी। उसके बाद 19 जो नंबर है दैट इज एवरी कॉमन फ्रैक्शन नंबर इज, फ्रैक्शन में हमारे जो नंबर्स होंगे कॉमन फ्रैक्शन वेदर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे जो कॉमन फ्रैक्शन के जो भी नंबर्स है ऑल आर द
आर रेशनल नंबर्स, और एज वी नो दैट रेशनल नंबर्स बेसिकली हमारे वो है जो पी अपान क्यू फॉर्म में, जिसको हम लिख सकें पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, जबकि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि हमारे जो कॉमन फ्रैक्शन में जितने भी नंबर्स है ऑल आर द रेशनल नंबर्स। उसके बाद जो 20, दैट इज द लास्ट वन, इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स दैट इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस वन अपान एक्स दैट इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 5, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वन अपान एक्स जब हम उसको एक्स माइनस वन अपान एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगी दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई किया है अल्टीमेटली हम राइट हैंड साइड्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, 4 इंटू माइनस 2 कितना होगा? इट वुड बी -8 और स्क्वायर रूट 5 सेम, यानी कि 20 नंबर द लास्ट वन लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडेज वीडियो, उसका जो करेक्ट जो आंसर है दैट इज -8 स्क्वायर रूट 5। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 20 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए ये सारे आपको समझ में आ चुके होंगे।